मोदी को भगवान मानते हैं, हम क्या करें? मेरा वो भगवान है मोदी, योगी भगवान है मेरा, वो बजरंग बली है, वो लक्ष्मण है राम है। मोदी जी को खुला चैलेंज है, 2 करोड़ नौकरी स्मार्ट सिटी गिना दे, कितने लोगों को हवाई जहाज में चप्पल वालों को बैठाए, लिस्ट जारी करे, मैं वोट दे दूंगा। राहुल गांधी जैसे देश में कोई दूसरा नेता नहीं है, सब मोदी बराबर, एक राहुल गांधी। राम राम जपना पराया विधायक अपना, जनता को ढकना यही है भारतीय जनता पार्टी का सपना। वो सिर्फ कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार जूता चप्पल 400 बार जिनको गरीब पहन के वो हवाई जहाज में जिनको घुमा रहे थे, आटा भाटा तेल गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल 4000 पार कर देंगे तो सही तो कह रहे हैं, कौन गलत कह रहे हैं? महंगाई में कहाँ उठा रखा है मोदी जी ने, बताओ कौन गलत कह रहे हैं मोदी जी? इस बार पेट्रोल 400 पार होगा क्या? 400 पार नहीं उनकी, चले तो 4000 पार करके गरीबों को मार डाले, और बताओ पेट्रोल डीजल 400 पार। ए भाई साहब दोबारा ले आइए, इस बार अगर गरीब आदमी न मर जाए भूखों तो कहना, तीसरी बार आएंगे तो 400 पार पेट्रोल हो जाएगा। तीसरी बार तो सवाल नहीं है, लेकिन अगर धोखे से आ गए मक्कारी फरेबी और बेईमानी से तो गरीब तो गरीब बेकार हो जाएगा भाई साहब। गरीबों का कल्याण कर रहे हैं हमारी सरकार, हमें गरीब खुश हो रहा है। कल्याण नहीं कर रहे हैं, गरीबों को मिट्टी में मिला दिया। भाई साहब ये बताइए, आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी कि नहीं? आपने वादा पूरा किया? आपने बुलेट ट्रेन लगता वादा पूरा हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी बुलेट ट्रेन कहाँ है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, बताइए आप। जूता चप्पल वालों को कह रहे थे हवाई जहाज में, एक लिस्ट मोदी जी से जाके पूछ लीजिए, एक लिस्ट निकाल लीजिए कि कितने में जूता चप्पल वालों का हवाई जहाज में उन्होंने घुमाया है, बताइए हवाई जहाज में जिनको घुमाने के बाद। क्या लगता है 400 पार का जो नारा दे रहे इस बार होगा नहीं, मुमकिन नहीं है क्या? कोई सवाल नहीं भाई साहब, जनता समझ गई है, जनता पूरी तरह से समझ गई है। 40 में अटक जाएंगे पूरी तरह से इनके सब बड़े नेता, इन 40। हाँ मैं सिर्फ 40 में अटक जाएंगे, 400 पार का जो नारा दे रहे वो नहीं होने वाला। नारा दिया है 400 पार तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी योगी जी का नाम सुन के जनता का ब्लड प्रेशर का पारा 400 पार चला जाएगा। जनता इतनी नाराज है, जनता इतनी नाराज है, जनता का कोई काम हुआ? किसान नौजवान व्यापारी मुसलमान सब परेशान इस शासन में। आप बताइए रोजगार, जो भैया ने कहा रोजगार का वादा, पकौड़े तलवार है, जनता के लिए काम कर रहे हैं हम। कौन सी जनता के लिए काम? अंबानी अडानी इनके लिए जनता है, वो जनता के लिए कह रहे काम कर रहे हैं हम। जनता को खुशहाल, जनता की खुशियों को बेचने का काम कर रहे हैं, किसान इनसे परेशान है। मैं बता रहा हूँ इनके लिए अंबानी अडानी जैसे लोग जनता है। आपको क्या लगता है 400 पार जो नारा दे रहे हैं मुमकिन नहीं है क्या? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी जनता कर चुकी है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से नेस्ता नाबूद हो जाएगी। और भाई साहब बता रहे नेस्ता नाबूद हो जाएगी, ये लोकतंत्र और संविधान की लोटेरी सरकार है। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, आप भी इसी बात कर दिए, संविधान के अनुसार चल रहे मोदी जी। देश भारतीय संविधान से चलेगा, संविधान चल रहा, देश ऐसे झूठे मवाली और आरएसएस के बनाए कानून से नहीं चल सकता। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो खिचड़ी हमारा संविधान है, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं से हमारा देश जाना जाता है। आज इसकी सुंदरता को छिन्न भिन्न करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, यहाँ की आम जनता, नौजवान, किसान, छात्र, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, हर वर्ग के लोग नकारने का काम करेंगे। यहाँ शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए और पेट की भूख कैसे मिचे, इस दिशा में कोई काम भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। इसकी आम जनता को इसकी जरूरत है। महंगाई की मार झेल रहे हैं, लगातार किसान के लागत का उचित मूल्य देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ चुकी है। किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की एक सरकार रहती थी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा वहां पर किसानों को जो अगर दुर्घटना हो जाती थी तो 5 लाख रुपया बीमा देने का काम। आपको काम सुनिए तो आप, आपको लगता है महंगाई? बात हो बताइए, आपको लगता है महंगाई? महा महंगाई है, महा महंगाई है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि महंगाई महंगाई कुछ नहीं है। जीएसटी नोटबंदी से लेकर के जितनी महंगाई की दरें बढ़ चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि रोजमर्रा के जीवन जीने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं, खाने बगैर मर जा रहे हैं और उनको एक रोटी नसीब नहीं हुई। इस तरह की दुर्दशा पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। हो गई भाई साहब, आपको क्या लगता है? राम राम जपना पराया विधायक अपना और जनता को ढकना यही है भारतीय जनता पार्टी का सपना। अरे क्या बात कर रहे हैं। और दूसरी जात जनता वाकई देश की जाग चुकी है, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से सच साबित कर दिया था। और ये कहीं ना कहीं जो राम का नाम के सहारे वोट हासिल कर रहे हैं, अब इनके पास ना कोई रोजगार का मुद्दा है ना कोई विकास है, सिर्फ राम के सहारे वोट पा रहे हैं। लेकिन कोई भी सहारा हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। देखिए 400 पार नहीं हो पाएंगे और ये बेचारे खुद हजार हो जाएंगे। हाँ लेकिन 400 पार नहीं होंगे, ये मुश्किल से 400 बताए, 200 पार कर ले बहुत बड़ी बात। 400 आपको क्या लगता है? बताइए 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, किस बार 400 पार? 300 के आसपास, 300 के आसपास मतलब सरकार बना लेंगे।
सरकार बन सकती है। बिल्कुल 400 पार का जो है वो लहसुन का रेट बता रहे हैं 400 से पार। हाँ सीटें आ रही हमारी, लहसुन का रेट बता रहे 400 पार हो गया। कोई सामने होना भी तो चाहिए, कोई सामने कौन है? राहुल गांधी यात्रा निकाले, देखिए पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लालू प्रसाद भी तो गठबंधन में थे, नीतीश कुमार भी तो थे, लेकिन तोड़ करके फिर आ गए उसी में। ऐसे तो चलता रहता ना, पार्टियां इधर उधर होती रहती। ऐसा है देखिए, ऐसा है जब जरा समुद्र होता है, जहाँ जब समुद्र होता है तो एक दो नदियां उसमें निकल जाए फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जैसे देश में कोई दूसरा नेता नहीं है, सौ मोदी बराबर एक राहुल गांधी। जिस तरह की आज सिंधिया के गढ़ में ग्वालियर बेल्ट में आज देखिए लाखों का हजूम राहुल गांधी की जय जयकार कर रहा है, और सबसे ज्यादा किसान बेरोजगार और मजदूर नौजवान है वहां पर जो अपने हक के लिए आशा लगाए बैठा रहा है। और इनको अगर 60 साल न हो, राहुल गांधी परिवार न हो, तो भाजपाइयों को नींद ना आए रात में। ये बात है, धर्म गांधी हिंदू मुस्लिम ये इनके एजेंडे में है। झूठों के सरदार, अब तुम भाजपा को यहाँ से ले जाओ और तुम कुछ आज भाग जाओ। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत बहाया भ्रष्टाचार, अब भगाओ मोदी सरकार। अभी अभी 5 साल मोदी को कोई हिला नहीं सकता है, और फिर से आ रहे तीसरी बार आएंगे। अभी मोदी को कोई हटा नहीं सकता है। भाई साहब कह रहे कि महंगाई बहुत, इस बार मतलब परिवर्तन करना चाहते हैं। सामने कोई विपत्त है ये नहीं बता रहे, राहुल गांधी देखिए किस तरीके से यात्रा कर रहे हैं। अरे दुनिया की बात करते हैं, मोदी जी को खुला चैलेंज है, 2 करोड़ नौकरी स्मार्ट सिटी गिना दे, कितने लोगों को हवाई जहाज में चप्पल वालों को बैठाए, लिस्ट जारी करें, मैं और दे दूंगा। खुली चुनौती बताओ, लिस्ट देंगे, खुली चुनौती देंगे और दे दूंगा। कितने हवाई जहाज में बैठाया चप्पल वालों को, खुली चुनौती, जाइए पूछ के आइए। आप बताइए 5,000 करोड़ चप्पल वालों को जिसकी बात कर रहे हैं, उस पेपर में 5,000 करोड़ घोटाले में, ये कैसर बाग में उसकी सीज हुई है, अभी कैसर बाग में सीज हुई है। हाइडन के पेपर में एक पेपर नहीं आया, और पूरे हिंदुस्तान में उसके नाम से अरबों की जमीन। अभी कितने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाया मोदी जी, लिस्ट बताएं। जी तो बैठा देंगे, जिसमें कोई बैठ नहीं सकता है, वो गरीबों की मसीहा है, गरीबों की बात करते हैं, और गरीबों की बात न करते, धर्म निरपेक्ष की बात नहीं होती यहाँ पे। सुनो आप यही लखनऊ में अकबर नगर देखिए, अकबर नगर का उदाहरण देखिए, वहाँ से गरीबों को उजाला जा रहा है, कितनी मेहनत से लोग अपना आसिया बनाते हैं और उसको तोड़ने का काम आसियाने इनका बनाया जा रहा है। और 110 इनके ये दलाल इसमें सरकार में दलाली नहीं हो रही है, अगर दलाली होती तो सरकार ये बंद हो जाती। आपको क्या लगता है इस बार कितनी सीट आ रही? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, 450 पार। अरे ये तो बता रहे 450 पार। मुद्दों की बात करिए भाई साहब, 450 पार। अकबर नगर में भाई साहब का भी रहा होगा, सुनिए रुको पहले बीच में बात सुनो। अकबर नगर में भाई साहब का कोई शोरूम रहा होगा बड़ा सा, वो टूट गया होगा, क्योंकि 110 लोगों का सुन लीजिए, 110 लोगों का 450 पार। मैं ये कह रहा हूँ, इस चुनाव बाद इतनी कम सीटें आएंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना कुर्ता पड़ेंगे, एक नया पागल खाना खोलना पड़ेगा इनको। पागल खाना खोलना पड़ेगा। ये हाल हो जाएगा, 400 सीटें, 450 की बात, बस अपना दिवस सपने देख रहे हैं लोग। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुत्ता बना दिया पहले कान पकड़ के, और भरी महफिल में बनाया है, उसमें जो है खड़गे जी ने कहा कुत्ता वही उठाना, कांग्रेस का सुन लीजिए, कांग्रेस के कुत्ते वो भोगते हैं, सुन लीजिए। ये भाई साहब बता रहे हैं, ये भाई साहब बता रहे कि काम बताइए आप, भाजपा का काम बताइए आप, सुन लीजिए, आवास हो, जल हो, नल हो, किसी भी काम में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी सरकार ने काम नहीं किया। और सुनिए, भाजपा के अलावा किसी ने काम नहीं किया, बता रहे भाई साहब, कांग्रेस ने क्या काम किया बताइए। कह तो रहा हूँ कि इनके मुताबिक यदि भाजपा न हो तो हिंदुस्तान है ही नहीं है, ये मोदी को भगवान मानते हैं, हम क्या करें? भगवान है मोदी, योगी भगवान है मेरा, वो बजरंग बली है, वो लक्ष्मण है राम है, मैं उसको भगवान मानता हूँ, भगवान मान। इधर उधर की बात न कर, बता तेरी रजा क्या है? बीएचयू में जो छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी हैं, मोदी जी बताओ उनके घर बुलडोजर
कब चलेंगे? बुलडोजर कब चलेगा? जवाब मांगो। जेल में ये बुलडोजर की बात करते हैं, हाथरस का कांड हुआ और सुनिए माननीय मुलायम सिंह ने कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है। भगवान बता रहे हैं मोदी जी, भगवान इनके लिए भगवान है, लेकिन गरीब मजदूर किसानों के लिए किसी शैतान से कम नहीं है। उन किसानों से पूछो जाके, उन पेपर लीक वाले छात्रों से पूछो जिनके माँ बाप भाई ले लेकर उनको परीक्षा दिलाने गए प्रदेश से आके हजारों रुपए फूकने वाला, अरबों रुपए का घोटाला हो गया। मोदी जी जवाब दें, योगी जी जवाब दें। भैया मेरी दो बेटिया एग्जाम देने बहराइच गई थी, सुन लीजिए, दो बेटिया भी गई थी, मेरी दो बेटिया पेपर लीक हुआ तो आप भी दुखी होंगे ना? दुखी बिल्कुल है, लेकिन सुशिक्षा माफियाओं ने पूछिए, लेकिन इस सरकार ने उसका कानून बना दिया 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना और 388 लोगों का। अभी तक शिक्षा माफिया बहुत थे, अब योगी जी की और मोदी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में कितने सालों से, इतने सालों में शिक्षा माफिया क्यों नहीं खत्म हो पाए? सवाल है आपका। अकबर अभी अकबर नगर की इन्होंने बात किया, अकबर नगर अवैध था, वहाँ पर लोग झोपड़ पट्टी बना के रह रहे थे, झोपड़ पट्टियां बनी हुई थी वहाँ पर, और बहुत सर एक मिनट, बहुत बड़ा वो नाला था। जब झोपड़ दीवाल उठाई, दो दीवाले उठाई, उस समय सरकार कहाँ सो रही थी? उस टाइम सरकारें कहाँ सो रही थी? 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए एक फ्लोर का अधिकारी लेते हैं, एक दीवाल का 1 लाख रुपया एलडीएम भ्रष्टाचार के अनुसार कॉलोनिया भी बनी, एक दीवाल का 1 लाख रुपया अधिकारी लेते हैं। अर्जुन गन में देखा, सुपरवाइजर कोई वही नहीं है। अर्जुन गन में देखा होगा, ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने में कोई कमी ना हो, और ऐसी कोई सरकार कोई ये कह नहीं सकती है कि मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ।